नाम शंकर, कसूर खून, सजा 14 बरस, नंबर 103, इसको 13 नंबर सेल में ले जाओ। क्यों शंकर, आ गई न दीदी की चिट्ठी? हाँ हवलदार, आज ही आई। लिखती है छोटे की तबीयत खराब हो गई थी, इसने चिट्ठी भेजने में देर। मैं तो पहले ही कह रहा था, तू जरा सी देर होती है तो इतना घबरा जाता है। बहन को बहुत चाहता है ना शंकर? हवलदार, बहन के सिवा मेरा है ही कौन? तू बड़ा भाग्यवान है रे, तेरे ऐसे खूनी की बहन को देवता समान पति मिला। वो बेचारी अपने घर में सुखी। हाँ हवलदार, भगवान मिलने की कोई आस नहीं, फिर भी लिखती है, बच्चों को बहलाती रहती है। मामा परदेश गया है, मामा काम पर गया है, मामा बहुत जल्द आएगा। मामा अब क्या आएगा? निराश काहे को होता है, भगवान जाने किसके नसीब में क्या लिखा है। तू तो इतना उजाला उनके लिए होता है जिनकी जिंदगी में अंधेरा होता है, और मैं तो यहां आने से पहले ही अंधेरा खत्म कराया। तू तो पगला है पगला, जा सो जा। Thank you.
अरे शंकर 11 बज गए, चलोगे नहीं? यार दीदी करा देता हूँ, आयोजन के साथ आ जाना। अच्छा मैं जरा ओके। अरे शंकर वो आ रही तुम्हारी दीदी। अच्छा ओके बाय बाय। नमस्ते गुरु। नमस्ते। क्या तालीम चाट है अपनी लगरीन की हैं? अदाओं ने तुम्हार रखा है। अरे हाँ शकुंतला, वो लाइब्रेरी की किताबें नहीं वापस कर दी? और लोगों को भी तो चाहिए ना। जैसे मुझे कुछ नोट लेनी है इसलिए वापस नहीं कर। अच्छा तो जल्दी वापस कर दो। हाय यार राजू, ये अपने काबू आ जाए तो बस क्या बात है। मैं मुझे मैं तेरी जबान खींच लूंगा। मुल्ज़िम की कम उम्री और जिन हालात में ये खून हुआ है उनको नजर में रखते हुए अदालत ज़ेरे दफा 302 मुल्ज़िम के 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा तजवीज करती है। चलो शंकर सुबह हो गई, जेलर साहब ने तुम्हें बुलाया है। बैठो शंकर, बैठो ना, मैं तुमसे कह रहा हूं। बैठो बैठो। दो सिगरेट पियो। जी पियो ना। जी नहीं। अच्छा ये तुम्हारी दीदी की तस्वीर है ना? जी हाँ। इसके अलावा और कौन कौन है तुम्हारा? एक छोटी बहन है और ये सब बाकी जो हैं मैंने देखा नहीं।
देखने को जी तो चाहता होगा शंकर, लेकिन ख्वाब देखने से फायदा क्या है? ख्वाब कभी कभी सच्चे भी हो जाते हैं शंकर। तुम तो जानते हो मैं चाहता था कि मेरे रिटायर होने से पहले तुम्हारी बाकी की सजा माफ हो जाए, और इसके लिए मैंने सिफारिश भी की। तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मेरी सिफारिश मंजूर हो गई। अब मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं, तुम आजाद हो शंकर। शंकर साहब, ये क्या, क्या तुम अपनी रिहाई की खबर सुनकर खुश नहीं हुए? जेलर साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपके साये में यहां रहकर मैंने जेल को कभी जेल महसूस नहीं किया। लेकिन क्या दुनिया वालों के सीनों में भी आप ही जैसा दिल है? वो भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करेंगे? जेलर साहब, मैंने यहां 10 साल गुजारे हैं, मेरी जिंदगी के दामन पर खून और गहरे दाग है। क्या दुनिया मुझसे नफरत नहीं करेगी? नहीं शंकर, नफरत से नफरत मुझे, प्यार से प्यार। किसी से नफरत न कर, तुम्हारे अंदर जो इंसान जाग रहा है उसे नफरत की भेंट में चढ़ा देना। एक अच्छे शहरी बन, लोगों से प्यार और मोहब्बत से रहो। याद रखो, मोहब्बत। मैं आपकी इस नसीहत को हमेशा याद रखूंगा। देखो शंकर, इंसान की जिंदगी में कभी ऐसा मौका आता है कि वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, सोचता है मेरे साथ कोई भी नहीं। ये उसकी भूल है, उसका भगवान हमेशा उसके साथ होता है। चलो साथ। देखो ये तुम्हारा अलाउंस है, और ये तस्वीर है तुम्हारी तुम्हारी दीदी के साथ। जाओ तुम अपने साथियों से मिलो। बहुत अच्छा। छुट्टी मिल गई। छुट्टी हो गई? हाँ चाचा, जेलर साहब ने मेरी सिफारिश की थी ना। हाँ। वो मंजूर हो गई। या अल्लाह, जाओ शंकर, खुदा तुम्हें खुश रखे। अच्छा चाचा, खुदा हाफिज़। अच्छा बिहारी, खुदा हाफिज़। जा रहे हो शंकर? जाओ, लेकिन इतना याद रखो, जो चैन तुम्हें यहाँ था वो बाहर कहीं नसीब नहीं होगा। अरे ये तो पागल हो गया है। जाओ शंकर, खुदा तुम्हारा निगहबान रहे। जाओ भाइयों। आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। फिर नई मस्तियाँ साथ लेकर मुस्कुराते नजारों में आया। आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। आज दुनिया जवां हो गई है, जिंदगी मेहरबान हो गई है। आज दुनिया जवां हो गई है, जिंदगी मेहरबान हो गई है। ऐ बहारों तुम्हारी कहानी अब मेरी दास्तां हो गई है, अब मेरी दास्तां हो गई है। मिल गई फिर मुझे मेरी मंजिल,
के यादगारों में आया, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। आज की बेखुदी क्या बताऊं, नगमाए जिंदगी क्या सुनाऊं, आज की बेखुदी क्या बताऊं, नगमाए जिंदगी क्या सुनाऊं, ये बहारे ये गुंचे ये कलियां, इनसे अपनी खुशी क्या छुपाऊं, इनसे अपनी खुशी क्या छुपाऊं, जो मेरा राज दिल जानते हैं, मैं उन्हीं राजदारों में आया, मैं उन्हीं राजदारों में आया, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया, फिर नई मस्तियाँ साथ लेकर मुस्कुराते नजारों में आया, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। ये कपड़े तो हो गए, और क्या चाहिए आपको? बस एक साड़ी और से। हाँ, एक नायलॉन की लेटेस्ट फैशन की साड़ी निकालो, जल्दी लाओ, वो देखो सामने पड़ी है, लाना, इसी बुलाओ, इसी बुलाओ। ये देखिए साहब, ये जी ये साड़ी है, इसमें तो सब कुछ दिखता है। मालूम होता है आप नए नए शहर में आए हुए हैं। अजी साहब ये तो लेटेस्ट फैशन है, आजकल औरतों को ऐसे ही कपड़े पसंद आते हैं। आप बिल्कुल कैसे करेंगे, मेरी जिम्मेदारी पे ले जाइए। अच्छा दे दीजिए, और कुछ? अजी और कुछ नहीं, बिल बनाओ। गोपाल जी, ये लो कपड़े बांध दो। लगी तो नहीं, लो भाई साहब ये भी बांध दीजिए। अच्छा जी बांधो। बराबर है जी? हाँ ठीक है, पैसे उधार दे दीजिए। जी बहुत अच्छा। मेरा सामान बन गया जी? मेरा सामान बन गया? हाँ बन गया। हाँ ये लीजिए। देखिए और कुछ चाहिए? जी नहीं कुछ नहीं। हाँ आज रात का शो आ रहे हैं ना? हाँ जरूर आऊंगा। अरे मैंने टिकट खरीदा है देखिए। जरूर आएगा। हाँ जरूर आऊंगा जी, मैं भी आऊंगा। भाई साहब ये भी मेरे सामान में बांध दीजिए। अच्छी बात जी। ये सामान किसका है? आपका नहीं है जी? नहीं वो जो जल्दी जल्दी में आई थी ना मैम साहब, वो ले गई है। वो लेके चली गई। तुम निहाल पता मिली हो, निहाल नालायक हो। औरतों का सामान मर्दों को दे देते हो और मर्दों का सामान औरतों को दे देते हो। साहब माफ कीजिएगा, आपका सामान गुम नहीं होगा, वो नजदीकी रहती है। तुम अभी इसी वक्त हाथ कर जाकर साहब का सामान वापस ला करके दो। जाता जी जल्दी जाओ। भाई मुंह क्या देखते हो? इनके साथ ये ठीक है जी, माफ कीजिएगा, तुम निहाल कर दो। वे बाबू सिर्फ इधर जाते, अंदर जाता है। कल इनका बच्चे हम बाहर करे तुम अंदर जाते, ये छोकरे लोगों का उसके लिए मर जाना मन है। तो खान साहब बात यूँ है कि वो अंदर शोभा देवी को मिलना है। तो खुद बिलादर ऐसे बोलो, हम अंदर जाएगा, बड़ा निमताज की इजाजत लेगा, वो इजाजत देगा, पीछे आपको अंदर लेगा। चला इधर रुक जाओ, तुम भी इधर रुक जाओ। हम पूछ के आते। कल हमने कितनी जोर से पकड़ा,
नमस्ते जी। नमस्ते, आप कुछ रिफंड के लिए देंगे? लीजिए लीजिए, आपके पास तो होगा। देखिए, नेक काम के लिए कुछ देना ही चाहिए। ये लीजिए, देखिए, अगर आपको और चंदा चाहिए तो आप मेरे साथ मेरी दुकान पे चलिएगा, मैं आपको खूब चंदा दिलवाऊंगा। मेरे सेठ जी बहुत दयालु हैं। चलिएगा, तो आइए आइए। हो भाई साहब, इसका क्या हुआ? आप रखिए, देखिए, लाला अंदर गया ना, वो आप भी आएगा, आपको अंदर ले जाएगा, आप पैकेट बंटवा दीजिएगा। ये जरा चंदे का मामला है। आइए आइए बाबू, से चलो बुलाते हैं। चलो भाई चलो। हाँ ले तो, कितना अच्छा है, देखो ना। हाँ बहुत खूबसूरत है। तुम तो कहती थी कि तुम्हें तुम्हारी माजी लेने आएगी, उधर से खूबसूरत लड़का आया हुआ है। खूबसूरत लड़का? ओह सुंदर होगा। अरे बहुत सुंदर है, जब मुड़कर देखा तो ऐसे लगा जैसे चांद निकल आया। आदमी तुमने खूब ढूंढा। आदमी होगा तुम्हारा, मेरा तो नौकर है। नौकर ऐसे नहीं हुआ करते, हमसे छुपाती हो क्या? बकती बकती नहीं, सच कहती है, खुद चलकर देखो। हाँ चलकर देख लो ना, चलो चलो। शुभ देवी कौन है? जी मैं हूँ। माफ कीजिए, मेरा सामान आपके साथ बदल गया है। सामान? जी हाँ, दुकानदार ने गलती से बदल दिया। उसका आदमी मेरे साथ आया था लेकिन जल्दी में था इसलिए चला गया। आप अपना सामान देख लीजिए। ये देखिए। जी हाँ, ये मेरा ही सामान है। मैं आपका सामान अभी लाता। अरे वाह वाह वाह, क्या कोइंसिडेंस है, सामान भी बदला तो कॉलेज के सबसे अच्छे लड़की के साथ। और कोई नहीं मिला क्या? इतना अच्छा होता अगर ये सामान तुम्हारे साथ बदलता। मैं तो इनकी समझदारी की तारीफ करती हूँ, मिलने का बहाना बहुत अच्छा ढूंढा। ये लीजिए आपका सामान। शुक्रिया। आपको सामान एक ही शर्त में मिल सकता है। शर्त? जी हाँ, अगर आप रात को शोभा देवी का नाच देखने आए थे। नाच? जी हाँ, विधवा आश्रम के लिए हम लोग एक चैरिटी शो कर रहे हैं, अगर आप तशरीफ लाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं जरूर आऊंगा। लेकिन हुजूर फी पास बंद है, आपको एक टिकट लेनी होगी। दे दीजिए। कितने पैसे दूं? सिर्फ 10 रुपए। जी लीजिए। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते जी। Cool.
नमस्ते जी। नमस्ते। आप और यहाँ? जी, मैं और मेरी माँ तीर्थ यात्रा के लिए काशी जा रहे हैं। और आप? जी, मैं बक्सर जा रहा हूँ। अच्छा, आए माँ। अच्छा, क्या है माँ जी, शहर में पढ़ाई के साथ साथ भगवान का नाम भी लेती थी या नहीं? क्यों नहीं माँ जी, पढ़ाई लिखाई का ये मतलब तो नहीं कि इंसान भगवान का नाम ही ना ले। मगर माँ जी, सुना है आजकल भगवान ने शहर छोड़ दिया है, उनका ज्यादा नाम गांव में लिया जाता है। अपना काम कर, बहुत बोलता है। हाँ बेटे, और भी लगती है। ए, शिव जी बच्चे को सही तो मैं क्या करूं, ठीक से लोग भगवान का नाम भी नहीं लेने देते। लो बहन, बच्चे को कपड़ा दे। भगवान आपका भला करे भाई। वाह भगवान, अजीब लीला है तेरी, माला कहीं घूमती है, तेरा नाम कहीं घूमता है। ए, माफ करना सेठ जी। अब किसी के सर पर रखती हो इसे, गोद में रखो ना। गोद रखू, टिकट लिया है? हाँ, टिकट लिया है तो किस पर एहसान किया है, यहाँ कौन मुफ्त बैठा है?
पैदा कर लेती है, संभालना जानती नहीं। तुमसे नहीं संभलते होंगे, बांझ होगी बांझ। अरे मैं क्यों बांझ होने लगी, बांझ होगी तू। मेरे तो 12 है, 12 12 है। 12 होते तो बच्चों का दर्द जानती, दूसरों को लेके पाल रखे होंगे। क्या था दूसरों के, जबान खींच लूंगी। अरे जा जा, बड़ी आई जबान खींचने वाली। क्या कहा कमी नहीं, अभी बताती। ये बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा अभी वो बिल्कुल ठीक है, जाइए आप भी कपड़े धुला लीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। जाइए जाइए। बुलाना बेटी उसे, मैं भी तो देखूं मेरी जान बचाने वाला कौन है। बेटी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी शंकर। शंकर, गुण भी भगवान के। जी आज तुमने मेरी जान बचाकर जो उसने मुझ पर किया है, मैं जिंदगी भर नहीं। ऐसा क्यों कहती हैं आप, ये तो मेरा फर्ज था। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। कहाँ? बक्सर। बक्सर? जी हाँ, बक्सर में मेरी बहन रहती। मैं भी अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। और माता पिता? जी वो नहीं। भगवान खेल भी निराले, किसी का कुछ छीन लेता है और कुछ। कहते हैं जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तुम शंकर जी मेरा बेटा बनोगे। ये तो मेरा भाग्य है माँ जी। अरे बेटे, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं माँ जी। लो ये शॉल ओढ़ लो। रह दीजिए माँ जी। ओढ़ लो बेटे, माँ की ममता स्वीकार नहीं करोगे। लो ओढ़ लो, ओढ़ लो। Thank you.
आप अभी तक सोई नहीं? जी नहीं, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। ये तकलीफ कैसी? मुझे तो ये सफर हमेशा याद रहेगा। मैं भी कभी नहीं भूल सकूंगी। आपने माजी से जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए। अरसा हुआ माँ बाप का प्यार मिट चुका था, फिर से इस तरह मुझे माँ की ममता मिली, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। भगवान के खेल बहुत निराले होते हैं शंकर बाबू। देखिए ना, तीरथ से पहले माँ को तीरथ का फल मिल गया, नई जिंदगी मिली और मुझे आपको। मुझे भी बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ। Yeah.
तस्वीर नहीं लेंगी? आप चाहें तो दे दीजिए। तस्वीर का कुछ हिस्सा मैंने अपने पास रख लिया है, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। आशा
मैंने तुम्हें पहचान ही नहीं। गहरी कोई आदमी इशारे से बुला रहा है। कैसे पहचानती दीदी, इतनी शुद्ध थी जब इसने मुझे देखा था। रंग अब देख रही जब दुनिया ही बदल गई। अच्छा चलो भैया चला चलो। चल बैठो। तुम भी बैठो ना, अपनी तो ही बैठ जाए। भैया ये फूल जैसे हाथ मेरी वजह से क्या हो गए भैया? बस दीदी बस, ये हाथ अपना कर्ज लौटा चुके दीदी। अब तो जिंदगी में सब कुछ है, तुम हो, मम्मी है, फूल जैसे बच्चे हैं। तुम्हारा ये भरा हुआ घर मेरे लिए कितने सुख की बात है भैया। ये सुख मुझे बहुत महंगा मिला है। मामा ये बहुत भारी है, इसमें क्या है? बेटा इसमें तुम लोगों के लिए बहुत सी चीजें हैं। दिखाऊं? लो निकालो। हाँ निकालो। ये तुम लोगों के लिए खिलौने, ये तुम लोगों के लिए कपड़े। अरे वाह कितने अच्छे हैं ना। कितने अच्छे हैं। मुन्नी ये तुम्हारे लिए। और दीदी ये साड़ी तुम्हारे लिए। भैया इसकी क्या जरूरत थी? दीदी मैं तो कुछ जानता नहीं, दुकानदार कहता था आजकल ऐसे ही कपड़ों का फैशन। ये जीजा जी के लिए। भैया ये शाल किसके लिए है? मुन्नी ये मेरे लिए है। ये तो औरतों का है भैया। हाँ मुन्नी ये मुझे माँ ने दिया है। माँ? कौन माँ? दीदी जिस जहाज में सफर कर रहा था ना वो उसी में थे, बेचारी अचानक पानी में गई, मैंने उनकी जान बचाई, उन्होंने मुझे अपना बेटा बना दिया। ये मेरा भाई है शंकर। ये तो मुझे बच्चों ने पहले ही बता दिया। कब आए आप? अभी आए। कमाल है आने की खबर ही नहीं थी, वरना हम लोग तुम्हें लेने स्टेशन जाते। जी मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा। तो फिर खड़े क्यों, बैठो ना। आओ बैठो। बैठा और बैठा ना। हाँ बैठी ना। हाँ मैं बैठता हूँ। तो कैसे आए? जी मैं जहाज से आया। पानी के जहाज से? जी हाँ। तो पानी के जहाज से तो अफ्रीका जाते बहुत दिन लगे होंगे। जी आप पहले कपड़े बदल लीजिए ना, फिर आराम से बातें करेंगे। अच्छा अच्छा माफ करना, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। इनके लिए चाय बना। जी अभी लाए। ये अफ्रीका क्या है? मैंने इनसे यही कहा है भैया, ये न बता सके कि तुम जेल गए हो। लेकिन ऐसा क्यों? जिंदगी का दाग छुपाने के लिए। मैं समझा नहीं दीदी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप अपना मुल्क छोड़कर अफ्रीका कैसे चले? जी एक तकदीर वहां मुझे ले गई। अच्छा अच्छा आओ बैठ। सुना है कि अफ्रीका में लोग काफी सुखी हैं। जी हाँ लेकिन मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, गरीब आदमी हूँ, बस जिंदगी के दिन पूरे करता। अरे भाई गरीब तो मैं भी बहुत था, लेकिन जिस दिन से ये मेरे घर आई हैं मेरी तो बस किस्मत ही बदल गई। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। तुम इतना अरसा बाहर रहे, ना तुमने बहनों की खबर दी, ना कोई खत लिखा। चाय तैयार है? आते हैं, चलो आ जाए। चलो वैसे आप आए अच्छे मौके पर, आशा सियानी हो गई है। हम लोग इसकी शादी की बहुत फिक्र कर रहे हैं, दो लड़के मेरी नजर में हैं, अब जल्दी इसके हाथ गीले कर देंगे। तो चाय पियो। Thank you.
कीजिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जानती हूँ भैया, लेकिन जीने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। ये तुम कह रही हो? हाँ, तुम नहीं जानते भैया, जब तुम जेल चले गए तो दुनिया ने मेरे साथ क्या क्या सलूक किया। जिधर आंख उठाकर देखती थी, नफरत ही नफरत नजर आती थी। लोग मुझे खूनी की बहन कहकर पुकारते, ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। आखिर मजबूर होकर मुझे कॉलेज की नौकरी, अपना घर, अपना शहर सब कुछ छोड़ना पड़ा। इनके दफ्तर में नौकरी के लिए ऐसे समय पहुंचे जब मुझे और आशा को दो दिन से रोटी भी नसीब नहीं हुई। इनको हम पर दया आ गई, इन्होंने मुझे अपना लिया। भैया, इतने ठोकरे खाने के बाद मुझे एक सहारा मिला था, इसलिए डरती थी कि सच कहने से कहीं ये सहारा भी मत छीन जाए। भैया भैया, मैं जानती हूँ कि मैं झूठ बोलकर एक बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ। इस पाप के लिए मुझे क्षमा करना भैया। दीदी, आंख से टपके हुए आंसू को मोती कहने से क्या फायदा? आंख से टपका हुआ आंसू तो दुनिया देख लेती, लेकिन दिल में उमड़ता हुआ तूफान कोई नहीं देखता। ये ठीक है दीदी, लेकिन अगर जीजा जी को पता चल गया तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उनको कभी नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। अरे तुम फिर यहाँ? चलो चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। दीदी, मैं बार बार इनको सुलाती हूँ, ये बार बार भाग कर चले आते हैं। कहते हैं कि मामा के साथ सोएंगे। तुम क्यों नहीं सोते? हम मामा के साथ सोएंगे। देखिए मामा बहुत थके हैं, उनको आराम करने दो। हाँ, नहीं रहने दो दीदी। भैया, तुमको बहुत तंग करेंगे, आराम से सोने भी नहीं देंगे तुमको। दीदी, इन मासूमों की याद में मैंने सैकड़ों रातें जाग जाग के गुजारी, इन्हें मेरे पास रखना। अच्छा, देखो लेकिन मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना। बिल्कुल नहीं ना? तुम जाओ दीदी, चलो सो जाएंगे। टिंकू, तुम सो जाओ उधर। अच्छा। और टिंकू सोएगा इधर। इधर। और मामा भी इधर। चलेगा? हाँ, चलेगा। चलो बेटा सो जाते हैं। आजा मेरा राजा बेटा, आजा मेरा सोना बेटा। मामा, इसको साथ मत सुलाना। क्यों रे? रात को है ना, सोते सोते ना सुसु कर देता है। अच्छा? हाँ। मामा, ये रात को है ना सुसु कर देता है, ऊपर से नीला नाम लगाता है। अच्छा, ये बहुत बदमाश है। अच्छा बेटा देखो, आज रात को तुम दोनों ना झूठ करना, ना किसी का नाम लगाना। अच्छा, चलो छोड़ो। मामा बहुत अल्दी लगती है। अच्छा बेटा, मैं कंबल देता हूँ, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तुर्कों की फौज फिर से आ गई। तू कुछ बोलना बता। मामा की तबीयत खराब है। मामा की तबीयत खराब है? हाँ, बहुत खराब है। तो मामा की तबीयत ठीक कर दो। हाँ, ठीक कर दो। चलो अरे मम्मी, आज तुझे बहुत शरीफों की तरह चलेंगे। अरे भैया, मुझे तो लगता है ये कुछ और ही गुल खिलाने वाले हैं। बहुत शैतान। अरे भैया, आगे आगे। अभी देखता हूँ तो ठीक हो जाएगा। जिस जोर जोर से धड़क रहा है। क्यों, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ज्यादा बुखार तो नहीं है?
कुछ खास नहीं है, सिर्फ क्या सर्दी बुखार है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। नहीं अभी ना, घबराओ घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। उल्टा चोर को बोलता है मत घबराओ मत घबराओ, बोलो। तबीयत खराब है, सॉरी डॉक्टर साहब सॉरी, उतार रहा है। अरे वाह, ये तो देखता भी है। अरे ये तो कुर्सी भी नहीं है, इसकी कॉपी है तो करना पड़ेगा। हाँ तूने ठीक कहा डॉक्टर, लीजिए। अबे घनचक्कर मामा को खाना बनाएगा क्या? मामा बेटे तकदीर से खुल गई, वरना ये तो मेरी सेहत बना देता था। मामा हमको भूख लगी। अच्छा मेरे को भी बहुत भूख लगी। मामा ये तो मैं आया था, माँ जी कभी तो बुला रही हैं। अरे माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगे, चलो 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 डॉक्टर इधर लग गया। शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो। दीदी जीजा जी कहाँ गए? उस दिन कहा था ना आशा की शादी की बातचीत चल रही है, लड़का देखने गए हैं, आते होंगे। अरे शर्माती माँ जी पापा आ गए। अरे आप आ गए, आइए ना खाना तैयार है। तुम लोग खाना खाओ, मैं कोर्ट से आकर आता हूँ। क्या बात है, क्या जवाब दिया उन्होंने? जवाब वो क्या देंगे, जवाब हम देकर आए। क्या मतलब, कोई खास बात है? खास बात तो ये है कि लड़के का चाचा जेल काट कर आया। वो तो हम खुशकिस्मत थे कि वक्त पर बच गए, वरना गजब हो जाता। ठीक क्या इनकार कर दिया? जी लेकिन उसमें लड़की का क्या दोष है? तुम्हारा तो दिमाग खराब है। अच्छा तुम्हारी बहन है, लेकिन मैंने भी इसे बच्ची की तरह पाला है, जानबूझकर कुएं में नहीं धकेल सकता। और फिर ये बातें तो ऐसी हैं कि खून में रह जाती है। क्यों शंकर? आप खाते क्यों नहीं? ओहो आपको चिंता करते हैं, मेरी नजर में एक और लड़का है, वो भी बहुत अच्छा है, मैं जल्दी बात पक्की कर लूंगा। आप घबराइए नहीं, खाना खाइए खाइए ना। जी बस मैं खा चुका। उषा उषा तुम कहाँ चली? खाना खाओ ना। लड़के का चाचा जेल काट कर आया, लड़के का चाचा जेल काट कर आया, और फिर ये बातें तो ऐसी हैं कि खून में रह जाते हैं, और फिर ये बातें तो ऐसी हैं कि खून में रह जाते हैं। अरे बेटा शंकर, शंकर बहुत अच्छा हुआ बेटा तुम मिल गया। मैं अभी अभी शोभा से कह रही थी कि घर चलते ही शंकर को बुला लूंगी। क्यों शोभा है ना? हाँ बेटा बैठ घर से मिलने। अरे बैठ सर, अरे बैठ बेटा, आ जा शोभा। आओ जी संभल क्या। कौन है? अरे माजी पाए लागू माजी। कैसी है सुंदरे? अच्छी हूँ माजी। मालकिन बड़ी मालकिन आई है। आओ दुर्गा दीदी तुम आ गई। अरे शोभा, अरे ये कितनी बड़ी हो गई। आओ दीदी आओ बैठा, आओ बैठा, आओ बैठा। दीदी इनको नहीं पहचाना? ये मेरा बेटा है। नमस्ते। नमस्ते बैठो। दुर्गा अगर ये ना होता तो तुम आज मुझे देख ना पाए। क्या कह रही हो दीदी? हाँ दीदी इसने मुझे दूसरी जिंदगी दी। चैन से बैठूंगी
तो पूरा किस्सा सुनाऊंगी। अरे सुंदर क्या हुआ? सुंदरी जा इसे मदद कर। लगी तो नहीं अल्लाह समा चलो उसको चलो था क्या है सुंदर हमारा दे दे दारो बटो सुंदरी तुम तो वैसी हो कौन वैसी पहले से कितनी दुबली हो गई दुबली होने पर ये हाल है मोटी होगी तो कितनी खूबसूरत लगती होगी दुर्गा ये तुम्हारे ही शहर में रहता है अच्छा हाँ कहाँ रहते हो बेटा जी जमुना गली में मेरी बहन वहाँ रहती है अच्छा अच्छा जब से वो गए मैं कहीं आती जाती नहीं अब तो आप भले और घर भला मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को मंगाती हूँ सुंदरी माता सुंदरी हाय मालकिन क्या है मालकिन इनके लिए शरबत ले आ अभी लाई दीदी इतने इतने दिनों के बाद आती हो तुम्हें बहन की याद नहीं आती मैं अकेली पड़ी तुम लोगों की याद करती हूँ तुम भी कैसी बातें करती हो मौसी तुझे क्या पता दुर्गा तुझे मिलने के लिए हमारा दिल कितना तड़पता रहता है ले देकर एक बहन तो रह गई है मैं बहन तो कैसे भूल सकती अच्छा मौसी मैं भी आई लीजिए लीजिए माँ जी शरबत पीजिए ठंडा ठंडा सुन रहे लो बेटा जी पियो लो दीदी अच्छा माँ जी मैं चलूँ अरे बैठो बेटा ऐसे जल्दी क्या है फिर कभी आऊंगा माँ जी फिर कभी क्यों मैं जब तक यहाँ हूँ रोज आना पड़ेगा अच्छा रोज आऊंगा और अपने बहन को भी लाना हाँ बेटा जरूर लाना मैं भी उनसे मिल लूंगी जी लाऊंगा अच्छा नमस्ते अच्छा जी तेरा दीदी लड़का अच्छा है बहुत अच्छा है आप कल आ रहे हैं ना जी मैं आपका इंतजार करूंगी ऐसा मत करो दीदी ऐसा मत करो मैं नहीं जाऊंगा भगवान भगवान मेरी तौबा मैं जाता हूँ भगवान भगवान सुंदर तो फिर मैं क्या करती छोटे पत्थर से तो तुम जागे नहीं इसलिए मैंने जरा बड़ा पत्थर मार दिया जरा बड़ा पत्थर मार दिया अरे अभी तुम बड़े बड़े पत्थर मार रही हो शादी के बाद तो तुम बम मारोगी शादी कब होगी हमारी शादी हो जाएगी जल्दी हो जाएगी तुम अपनी मालकिन से बात करो ना तो तुम अपनी मालकिन से क्यों नहीं कहती तुम भी क्या बात करते हो मैं कुंवारी लड़की मुझे शर्म आती है मैं भी तो कुंवारा लड़का हूँ तुम मुझे बेशर्म क्यों समझती हो एक कोई तरकीब सोचो ना मैं तरकीब सोचू मैं क्यों हंस रही दीदी इसमें हंसने की क्या बात है मैं भी तो जवान हूँ मेरे सीने में भी तो दिल है और वो भी दूसरों से बड़ा वो तो मैं देख ही रही हूँ सुंदर से भी पूछा है ये भी कोई पूछने की बात है दीदी उन्होंने तो मुझे यहाँ भेजा है लेकिन सुंदरी हाँ बराबर की जोड़ी हमेशा अच्छी मालूम होती है हाँ तू ये और वो बेचारा ये इससे क्या होता है दीदी शादी के बाद ठीक हो जाएगी अच्छी बात तो अभी जा मौका देखो मैं माँ से बात करूँगी मौका कब देखोगी दीदी अभी चलो ना बात करूँ पगली अच्छी बात के लिए हमेशा अच्छे मौके की जरूरत होती है समझी
समझ गई। अब तू जा, जाऊं जा। दीदी मेरा काम हो जाएगा ना? कहाँ ना हो जाएगा, धीरे से बोलो दीदी। ठीक है, अब तू जा। जाऊं? अच्छा दीदी, दीदी मेरा काम हो जाएगा। अच्छी बातों के लिए हमेशा अच्छा मौसम की जरूरत होती। हम कितनी देर से साथ साथ चल रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली चल रही हूं। आप इतने चुप चुप क्या रहते हैं? तुमने भी तो कोई बात नहीं की। मैं तो आपके लिए सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि आप कितने अच्छे आदमी हैं। मैं बुरा भी तो हो सकता हूँ, मेरी गुजरी हुई जिंदगी। आप भी दुनिया के लोगों की तरह गुजरी हुई बातें सोचा करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुजरा हुआ जमाना मरे हुए लोगों की तरह खत्म हो जाता है। लेकिन शोभा, फिर भी तुम्हें इतना तो जानना चाहिए कि मैं कौन था, क्या हूँ। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि आपके तन पर एक कपड़ा था, वो भी आपने एक दुखी औरत को दे दिया। यही कि अगर आप ना होते तो मेरी माँ को डूबने से कोई ना बचा सकता। अगर इसके अलावा भी आपकी गुजरी हुई जिंदगी में कुछ बातें हैं तो मैं उसे नहीं जानना चाहती। लेकिन शोभा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं। शंकर बाबू, वे आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। शोभा, शंकर बाबू, मैंने पूजा के समय शंकर रूप में आपको देखा है। लेकिन उनके गले में पड़े हुए जहरीले नाक को तुमने नहीं देखा। मैंने उनकी जटा से निकलती हुई पवित्र गंगा देखी, जो शांति और मुक्ति देती है। शोभा, काश किनारे जलती हुई चिताओं को भी तुमने देखा होता। Thank you.
सोच रही हूँ कल सुबह चली जाऊँ। इतनी जल्दी क्या है दीदी, जब आई हो तो कुछ दिन ठहरो ना। दुर्गा, इस वक्त तो मैं शोभा की मन्नत पूरी करने आई हूँ, तो जल्दी चली आऊंगी। अब जाना बहुत जरूरी है, तो शोभा को कुछ दिन मेरे पास रखो। मेरा और है भी कौन, वो मेरी भी लड़की है, उससे मेरा भी अधिकार है। हाँ, वो चार दिन मेरे पास रहेगी। अच्छा, चाहो तो रख लो चार। चलो 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 संभल के। अच्छा, मेरी तरफ से अपने बहन से माफी मांग लेना, मैं उनसे मिल नहीं सकी। अच्छा माँ। नमस्ते माँ। अच्छा माँ, जीती रहो बेटी। दीदी, ये शोभा देवी है जिन्होंने मुझे शाल दी थी ना, ये उन्हीं की बेटी। अच्छा, आइए ना, आइए। तो मामा। आ बेटा। तो बैठे ना। भैया हमेशा आपका जिक्र किया करते हैं। बहुत जिक्र। मेरा नाम टिंकू। मेरा नाम टिंकू। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, इधर आइए। हाँ, बैठ बैठ। कितने प्यारे बच्चे हैं। भैया कह रहे थे कि आप पूरे दिन की। जी हाँ। कब वापस आए? चार दिन हो गए। चार दिन हो गए? जी। भैया ने मुझे बताया नहीं। और माता जी कहाँ हैं? वो तो आज ही गाँव चले गए और मौसी ने मुझे रोक लिया। गाँव चले गए? मैं उनसे बहुत मिलना चाहती थी। वो तो खुद ही आपसे मिलने के लिए कह रही थी, लेकिन घर अकेला था इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ा। ओ, अच्छा। आशा, जरा यहाँ आओ। तो ये मेरी छोटी बहन है आशा, आप हैं शोभा जी। बैठो आशा, इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आना। इसकी क्या जरूरत है दीदी? क्यों जरूरत है? जाओ आशा। तकलीफ कर रही है। इसमें कहा तकलीफ? यहाँ बैठो। खाइए ना। नहीं बेटे, तुम खाओ। थोड़ा खाइए। खाइए, खाइए ना, खाइए ना। तुम भी खाओ। हम तो लोग लोग खाते हैं। लोग लोग खाते हैं, फिर भी लो। बहुत अच्छे हो। हाँ, पापा भी यही कहते हैं। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? माँ जी, मेरे पापा कहाँ हैं? अभी आते होंगे बेटा। दरअसल आशा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, उनको लाने को गए हैं। अरे, वो लोग शायद आ गए। आशा, तुम अंदर जाओ। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। क्यों, बैठी है ना? मैंने घर देख लिया, फिर कभी आऊंगी। लेकिन आज आपने तो कुछ खाया ही नहीं। फिर जब आऊंगी तो ढेर सारे खाऊंगी। अच्छा अच्छा, जरूर आइएगा। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टाटा टाटा। आइए शंकर। नमस्ते। नमस्ते जी। कहाँ से? जी मैं अभी आया। ओह अच्छा, आइए। मेरी धर्म पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे बच्चे टिंकू पिंकू। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठ। आइए। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? आशा। बड़ा प्यारा नाम है आशा। इनके लिए चाहिए। लड़कियां मैं पसंद है। क्यों राज? हाँ हाँ, बड़ी सुशील है। हमारे साथ सब बात पक्की, अब शादी जल्द होनी चाहिए। अरे, हमारी तरफ से आज कर लीजिए। कराइए वो मीठा। क्यों नहीं क्यों नहीं, मुंह भी मीठा कीजिए और चाय भी पीजिए। चलिए आइए आइए।
देख लो दीदी, सजाने में कहीं कसर तो बाकी नहीं रखी। देखो वाह कितनी प्यारी लग रही है, इसका घूंघट गिरा दो कहीं मेरी नजर न लग जाए। चांद को नजर नहीं लगती दीदी, आज अगर इस चांद को असली चांद भी देख ले तो उसकी नजर भी झुक जाएगी। वो साहब कौन है जी? कौन? वही जो शाल ओढ़े हुए हैं। वो जो लड़की के भाई हैं। सगे भाई हैं जी? क्या नाम है उनका? शंकर। क्या काम करते हैं? अभी अभी अफ्रीका से आए हैं, वहीं काम करते थे। आप झूठ बोलते हैं जी? मैं समझा नहीं। आप कैसे समझने लगे? मैं समझाता हूं आपको वकील साहब जी, जरा इन्हें समझाइए। आप लोग मेरे साथ आइए। क्यों मिस्टर शंकर, आपने मुझे पहचाना? जी आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूं। क्या आपने किसी नौजवान का खून नहीं किया था? क्या आपको उसके लिए 14 साल की कैद नहीं हुई थी? मिस्टर शंकर मुझे गौर से देखिए, मैं ही वो वकील हूं जिसने आपको 14 साल के लिए सजा दिलवाई थी। तो शंकर जो ये कह रहे हैं क्या वो सच है? जवाब तो शंकर, जवाब क्यों नहीं देते?
इतना बड़ा धोखा। रमेश बाबू, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सूरत देखो तो देवता जैसी, और अंदर से ये करतूत। अच्छा हुआ कि वक्त पे तुम्हारे खानदान का पता लग गया, वरना हमारी तो इज्जत खाक में मिल जाती। ये शादी नहीं हो सकती। क्या ये सच है कि तुम्हारे भाई ने किसका खून किया था? लड़की का भाई तो खूनी है, 14 बरस तो जेल काट के आया है। आखिर साल में पहचाना नहीं, गजब हो जाता। शक्ल से कितना भोला लगता है। अब लड़की का क्या होगा, कौन करेगा उससे शादी? अरे तुम्हारे मामा तो जान ले लेते। आओ बेटा, एक खूनी की बहन से रिश्ता नहीं हो सकता। चलो भाइयों। नहीं लाला जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ लाला जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। गुनाह मैंने किया था, उसकी सजा मैं भुगत चुका हूं। 10 बरस तक चक्की पीस पीस कर मैंने सोचा था, मैंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। मैं समझता था मेरे दाग धुल गए। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं अब भी गुनहगार हूं, तो मुझे और सजा दे लीजिए, मेरी जान तक ले लीजिए। मगर मेरी बहन की जिंदगी से मत खेलिए लाला जी। उसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, वो मासूम है, वो देवी है। मैं आपसे वादा करता हूं, इस शादी के बाद मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊं, किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। मगर दया कीजिए, ये शादी मत रोकिए लाला जी। हट जाओ। एक दफा कह दिया कि खूनी की बहन से रिश्ता नहीं होगा, क्यों शर्मा दी? नहीं नहीं, कभी भी नहीं होगा। आओ आओ, नहीं हट जाओ, कह दिया कि नहीं होगा। तीनों के पांव पर रहो, मैं कुछ सुना नहीं चाहता। जो टाइम तुम्हें यहाँ था, बाहर कहीं नसीब नहीं होगा। तुमने मुझे आके धोखा क्यों दिया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने शरीफ कर तुम्हें इसलिए कबूल किया था कि मैं दुनिया के सामने दलील हूँ, दुनिया मुझ पर लानत भेजे। इतना बड़ा धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने पति की इज्जत आदू खा के मिलाकर रखा। मैंने झूठे मोती को सच्चा समझकर गले का हार बनाया, और वही मेरे लिए फांसी का फंदा बन गया। क्या समझा था तुम, क्या निकली? तुम्हारा भाई मेरी आस्तीन का साथ होगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खामोश क्यों हो, जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देती? मुझे माफ कर दे बहन, मैं बड़ा बदनसीब भाई, सब कुछ करना चाहता लेकिन कुछ नहीं।
रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तुझे कोई खूनी की बहन नहीं कहेगा, कभी तेरी शादी नहीं रुकेगी, मम्मी कभी शादी। जुल्म के तीर चले से लुट गया दिल का बाग, दुनिया ने वो जख्म दिया जो बन गया गहरा दाग, भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला, भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। दुनिया के जालिमों ने चलाई वादियाँ, दुनिया के जालिमों ने चलाई वादियाँ, चलाई वादियाँ, सारे चराग बुझ गए मैं देखता रहा, दुनिया से मैं चला, भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। समझ रहा था मेरे दाग धुल गए, मैं तो समझ रहा था मेरे दाग धुल गए, मेरे दाग धुल गए, होगा कुछ और खून जिगर ये पता न था, दुनिया तेरी तो दुनिया से मैं चला, भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। नसीब हो कोई जहान में, मुझसा ना बद नसीब हो कोई जहान में, कोई जहान में, है जो भी मिला उसी ने गुनाहगार ही कहा, दुनिया से मैं चला, भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला।
तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो, सुबह में मर जाओ। क्यों, किस लिए? क्यों बाप, मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी तबाह हो गई। तुम क्या समझते हो, मर के अपनी बहनों का भला करोगे? नहीं शंकर, ये जालिम दुनिया वाले तुम्हारे मरने के बाद इन पर और हंसेंगे, तालियां बजाएंगे। तुम इन लोगों के लिए मरना चाहते हो जो खुद मरे हुए थे? ये दिल के अंधे किसी की आत्मा को नहीं देखते, पत्थर दिल पत्थर देखते हैं, पत्थर में छुपा हुआ चीरा नहीं देखते। शंकर, आज अगर तुमने बुद्ध दिल बनकर जान दे दी तो ये हजारों शंकर को रोज मौत के घाट उतार देंगे। हजारों शंकर की बहनें इसी तरह शादी के मंडप से उठाते जाएंगी। खून के प्यासों को और मौका मत दो शंकर, और मौका मत दो। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मेरे साथ चलो, मैं इन पापी लोगों से दूर बहुत दूर जाऊंगी, जहां तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, जहां लोग तुम्हारी आत्मा की झलकियां देखेंगे, तुम्हारी जिंदगी का साथ कोई नहीं देखेगा। ये सब कुछ जानोगी तुम मुझसे? हाँ शंकर, पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। शंकर, जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो भगवान तुम्हारे साथ होगा। था तुमने माँ जी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? समय आने पर सब बता दी। माँ को बताऊंगी, दुनिया को बताऊंगी, मुन्नी की शादी में अपने हाथों करूंगी। सुनते लेकिन सब बातों का मुकाबला तुम कर सकोगी? क्यों नहीं कर सकती, पर मैं अकेली छोड़ी थी तुम जरूर, क्या तुम मेरा साथ नहीं कर? Yeah.
आपके हाथ जुड़ती आप मेरे पति हैं, मैं आपको कुछ नहीं कर सकती। मगर मैं बहन, वो बहन जिसकी इज्जत के लिए उसके भाई ने अपना सब कुर्बान कर दिया, जेल में 10 साल चक्की थी, मरी बारात में जलील हुआ। आप भी बता दें, अगर आपके कोई बहन होती तो क्या आप वही नहीं करते जो मेरे भाई ने मेरे लिए किया? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं दुनिया को क्या मुझे कहूंगी, मैं भगवान को क्या मुझे। कोई बहन अपने भाई को राह के लिए बांधेगी? कोई भाई अपनी बहन की इज्जत के लिए कुर्बान नहीं होगा। मेरे घर मेहमान बनकर आया था, मेरा मेहमान चला गया। अगर वो लिया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। आशा, बच्चों को ले जाओ यहाँ से। दीदी नमस्ते। मुझे हर वक्त एक ही गम खाया जा रहा था कि मेरे जेल आने के बाद तुम पे क्या गुजरी होगी, लेकिन सच मानो तुम्हारे खत से ये जानकर एक देवता समान आदमी ने तुमसे शादी कर ली है, ये जेल का दुख दुख नहीं लगता। इस सजा से मेरी जिंदगी पर एक गहरा दाग तो जरूर लग गया है, लेकिन बहन की इज्जत भाई को कितनी प्यारी होती है, काश इसे कानून भी महसूस कर सकता। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मेरे जीजा जी को मेरी उम्र भी लग जाए। बहन, ये जेल की दीवारें अगर रास्ता रोके ना होती तो उस देवता के चरणों पर अपना सर रख देता। दीदी, आज मैं अपने आप को कितना खुशनसीब समझ रहा हूँ कि भगवान ने मुझे चांद जैसा भाजा दिया है। ये पढ़कर दिल भर आया कि जीजा जी ने 3 दिन बिना खाए पिए तुम्हारी सेवा में गुजार दिए। कितने अच्छे हैं वो। सच दीदी, वो तो देवता है। आशा को आशीर्वाद। मुन्ने को चांद से भी दूर मामा की तरफ से बहुत बहुत प्यार। नहीं उषा, भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। प्रसाद खा लो। नहीं, पूजा के बाद। अरे पूजा तो होगी। मेरे देवता की पूजा बाकी है। मैं समझा नहीं।
बस मैं एक और लो बेटा। नहीं मैं बहुत खा चुका हूँ। आप तो बहुत ही कम खाते हैं। कम खाता हूँ, कितना तो खा लिया हूँ। अरे नहीं, ये क्या बेटा? जी ये वो। अरे नहीं नौकर रख देंगे बेटा। चलो बेटा इनके हाथ। बात बेटे तो जरा पान बोला। माँ जी पान तो आज घर में नहीं है, शायद ऊपर वाले कमरे में है। जा ऊपर वाले कमरे में, वहाँ पान कैसे होंगे माँ जी? तू तो जाके देख तो सही, देखेगी तो पता चलेगा ना। जा। अच्छा माँ जी। इस शोभा ही मेरी जिंदगी का एक सहारा है। मैं अक्सर सोचा करती हूँ कि जब शोभा अपने घर से भी जाएगी तो मैं अकेली क्या करूँ, घबरा कर मर जाऊँ। लेकिन बेटा जब से तुम्हें देखा है मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। बेटा शोभा को अपना बनाकर मेरा बेटा बनोगे? मुझे जवाब दो बेटा, मुझे जवाब। जो आपकी मर्जी मां जी। मेरा बेटा, अरे सुंदर, सुंदर, अरे सुंदर, ए सुंदर, अरे सुंदर, जवाब दीजिए कि शादी हो रही है। शादी? हाँ, शंकर बेटे के साथ। तो मालकिन अपने उनको बुला लूं? उनको किनको रे? मेरा मतलब है उस छोटी मालकिन को जिनके घर हम गए थे। अरे पगले, मैं अपनी बहन को नहीं बुलाऊंगी, सबको बुलाऊंगी, शंकर के घर वाले भी आएंगे। अच्छा तो मालकिन आज ही खत लिख दीजिए। हाँ आज ही खत लिखती हूँ, सबको खत लिखती हूँ, सबको मैं दे देती हूँ। अरे अरे सुन लो, आज ही शहर जाना होगा, सब तैयारियां जो करनी है सबको बुलवाना है। वो भी आएंगी, वो भी आएंगी सुंदरी। अरे शोभा बेटी की शादी है। शादी किससे है? वो जो लड़का आया था ना शंकर, उसके साथ। माँ जी हम लोग भी जाएंगे ना। हाँ हाँ। ये दूसरी चिट्ठी शंकर की बहन की है, ये उनको पहुंचा देना और कहना जल्दी तैयार रहे, हम लोग साथ ही चलेंगे। अच्छा अच्छा, सब साथ जाएंगे? हाँ हाँ जाएंगे। दीदी जी, दीदी जी, शोभा दीदी की शादी है शंकर भैया के साथ। क्या? हाँ, माँ जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। मेरे शंकर भैया की शादी।
जमीन आसमान पा लिया है तुम्हें पाते हूँ देखते बारिश बहुत तेज हो गई। ऐसा मालूम होता है कि आज ही सब बरस जाएगी। हाँ। तुम तो एकदम ठीक गए थे। तुम भी तो भीगे हो। अंदर आ जाओ भाई, बाहर क्यों भीग रहे हो? मेरा घर है शंकर, रिटायर होने के बाद से मैं यही रह रहा हूँ। मगर तुम यहाँ कैसे? जी वो हम लोग बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गए। अच्छा अच्छा आओ आओ अंदर आओ ना। अंदर आओ बेटा, आइए। शंकर तुमसे मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मगर कुदरत इंसान को किस तरह मिलाती। आइए आइए बैठो, बैठिए बैठो ना। जनरल साहब, याद है आपने कहा कि जब दुनिया में मेरा कोई नहीं होगा तो भगवान मेरे साथ होगा। ये मेरे जीवन में भगवान बनकर आई जनरल साहब। अच्छा शादी हो गई? जी नहीं, होने वाली है। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी शोभा। शोभा, अच्छा बेटी तुमने पत्थरों में से हीरा चुना है। जले साहब, अगर ये ना होती तो दुनिया के थपेड़ों में डूबता डूबता न जाने में कहां चला जाता, शायद जिंदा भी ना होता। इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया जले साहब। मुझे यकीन था शंकर तुम्हारे प्रायश्चित का फल भगवान तुम्हें जरूर देंगे। मैंने तुम्हारे शरीर में बड़ी महान आत्मा देखी थी, बादल के पीछे सूरज देखा था और मुझे पूरा भरोसा था कि बादल से निकलकर यह सूरज जरूर चमकेगा। आप ठीक कहते हैं, मैंने भी इनकी आत्मा की कई झलकियां देखी। ये ना होते तो शायद मैं अपनी माँ को खो बैठती। तुम दोनों महान हो बेटा, मुझे उम्मीद है तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगे। राजन, ये है मेरा बेटा राजन, ये है शंकर, ये है शरी। रामू ला रहा है। रामू लाओ भाई, रामू लाओ 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 बेटा। अच्छा बांध गया दीजिए। बेटी मगर बारिश तो अभी तक हुई नहीं, तुम लोग जाओगे कैसे? हम चले जाएंगे, नहीं तो माची बहुत परेशान है। हाँ जल साहब अब इजाजत दी। अच्छा अगर मजबूरी है तो मैं रोक नहीं सकता, तुम मेरा छाता लेते जाओ। बेटा राजन जरा मेरा छाता लाओ। जी दादी
आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि तुम लोग फिर आओ। हम जरूर आएंगे, मगर आप भी तो कभी कभी हमारे यहाँ आइए और राजन भैया को भी साथ लेके आइए। क्यों नहीं, मगर बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर बहुत करीब है, इसी सड़क के किनारे पीली हवेली। वो पीली हवेली तुम्हारी है? वहाँ से तो मैं रोज गुजरता हूँ सुबह सैर करते करते। जरूर आऊंगा, मगर ये छाता तो लेते जाओ। आप बैठी ना, आपको तकलीफ कर रहे हैं। अरे बाहर तक तो आने दो, आओ आओ। जागने की आदत हो गई है। ये आदत तो मुझे भी हो गई है। जब से ये बरसातें आई है, आज तक तुमने इसका कभी जिक्र नहीं। जिक्र करने से क्या फायदा, याद करने से याद आने वाली वापस तो नहीं आ जाती। और फिर तुम तो जानते ही हो शंकर, मैं गुजरी हुई बातों को याद नहीं करती।
क्या बात है शंकर, तबीयत तो ठीक है ना? माँ, ये भैया की तस्वीर देख रहे थे। तस्वीर? हाँ बेटा, मेरे कलेजे के टुकड़े की अब तस्वीर ही रह गई और सब कुछ किसी जालिम ने छीन लिया। जब मैं तीर्थ यात्रा पर गई थी बेटा, तो वो अच्छा भला पड़ रहा था। मैं वापस आई, इस तस्वीर के सिवा कुछ भी न माँ, मैं अभागन तो उसका मुंह भी न देख सकी। माँ, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि गुंडे की माता को याद मत किया करो, भूल जाओ। भूल जाओ कैसे, भूल जाओ बेटी, मैं माँ हूँ। बस करो माँ, बस करो। पहले उनको पता चले यहां से भाग जाओ, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ शंकर। शंकर मुस्तिल बनकर सच्चाई से भाग रहे हैं, शंकर सच्चाई से मत भागो, मत भागो सच्चाई से, मत भागो। मैं क्या करूं शंकर, सच्चाई और मोहब्बत की हमेशा जीत होती है। जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो भगवान तुम्हारे साथ होगा। बेटा आप जल्दी उठ गए, अच्छा लो प्रसाद लो। नहीं माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। ये क्या कह रहा है बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारे बेटे का खूनी। क्या? हाँ माँ, जिस बेटे की तस्वीर पर रोज फूल चढ़ाती हूँ, उसका खून इन हाथों से हुआ था। चला जा मेरी नजरों से दूर, चला जा।
साहब, बहुत अच्छा हुआ आज आप मिल गए। मेरी आपसे एक आखिरी प्रार्थना है, फिर कभी किसी से मत कहना कि सच्चाई और मोहब्बत की हमेशा जीत होती है। फिर किसी कैदी की सजा कभी कम मत करवाना जेलर साहब। अगर किसी पे बहुत रहम आ जाए ना, तो उसकी यही सिफारिश करना कि उसे मौत की सजा दे दी जाए। वो सिर्फ एक मौत होगी जेलर साहब, एक मौत होगी। इंसान हजार मौतें नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। अगर वो चाहता तो सब कुछ छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने गुनाह की बड़ी से बड़ी सजा पा चुका है। माँ, उसे मौत की सजा मत दो। अगर उसने भैया की जान ली थी तो तुम्हारी जान बचाई भी है। माँ, आज अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम होंगे। फिर भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। माँ, फिर भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। तुम ठीक कह रही हो बेटी। बहन, शंकर अपनी भूल की पूरी पूरी सजा पा चुका है। मैंने 10 बरस तक उसकी आत्मा को पश्चाताप की आग में कुंदन बनते देखा है। उसे माफ कर दो बहन। आज उसे माफ नहीं किया गया तो कोई शंकर अपनी भूल पर कभी नहीं पछताएगा। कभी किसी शंकर की आत्मा पवित्र नहीं होगी। तुम देवी हो, औरत हो। औरत जीवन देती है, जीवन लेती नहीं। उठो बहन, शंकर को माफ करके औरत जाति को और महान कर दो। बलिदान की तारीख में उसे इतनी ऊंची जगह दो कि सारी दुनिया हमेशा उसके कदमों पर सर झुकाती रहे। जाओ बेटी, इससे पहले कि शंकर दुनिया की नफरत का शिकार हो जाए उसे बचा लो। जाओ। Thank you.
मुझे छोड़ के मर जाओ शंकर, मुझे छोड़ के। तुम्हारी बहन की शादी मेरे बेटे से होगी। Yeah.